उत्तराखंड में भर्ती परीक्षाओं की सीबीआई जांच की मांग को लेकर विपक्ष और रोजगार संघ द्वारा लगातार सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है, जिस पर राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि जो लोग सीबीआई जांच की बात कर रहे हैं उनका एक ही मकसद है कि भर्ती प्रक्रिया ना हो, जबकि पहले ही उच्च न्यायालय जो जांच हो रही है उसे सही दिशा में बता चुका है। साथ ही 60 से ज्यादा लोग जेल भी जा चुके हैं, इसलिए सरकार उनके हथकंडे में नहीं आने वाली है। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। कि जो लोग सीबीआई की बात कर रहे हैं उनका केवल एक ही मकसद है कि अगले 5-7 सालों तक कोई भर्ती परीक्षा आयोजित न हो, जबकि इसमें माननीय उच्च न्यायालय का पहले ही निर्णय आ गया है, इसमें 60 लोग जेलों में जा चुके हैं, कि भर्ती प्रक्रिया न्यायालय ने भी माना है कि इसमें जो जांच हो रही है वो जांच सही दिशा में चल रही है, इसलिए हम उन लोगों के हथकंडों में नहीं आने वाले हैं जो लोग भर्ती नहीं होना चाहते। नौजवान युवाओं के साथ पूरी तरह से, मैं कहूं कि एक तरह से उनके साथ वो अपराध कर रहे हैं, उनको भड़काने का काम कर रहे हैं, उनको बरगलाने का काम कर रहे हैं।